फ्रेंड, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा हुआ तुम हमें मिल गए। और हाँ झुमरू, वो शर्मा अंकल के ऑफिस में जो गुंडे आए थे ना, मुझे लगता है वो लोग पेंसिल के लिए आए थे। तुम्हें क्या हुआ? भूख लगी है। ओहो, तुम्हें भूखे से वो कुछ और लगता है नहीं। वो करुणा के घर में भी अजीब तरह बिहेव कर रहे थे। अच्छा आओ यार। संजू, एक बात कहो। हाँ, पर खाने के सिवा कुछ भी। वो तुमने अपने सब फ्रेंड्स को जब मुझे मिलाया, तब तुमने उनसे कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा से मेरे बारे में ना बताए। तो तुमने संजना को ये क्यों नहीं कहा? ओह माय गॉड। हेलो। हाँ, संजना, मैंने अभी तुम्हें अपने कजिन से मिलाया था ना। हाँ। तो तुम उसके बारे में ना मेरे पेरेंट्स से मत कहना, ओके? क्यों? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट प्लीज बाय। कजिन है और मम्मी पापा को नहीं बताना, जरूर कुछ गड़बड़ है। थैंक्स झुमरू, तुमने मुझे बचा लिया। पर ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? तुम जो कुछ भी बोलते हो ना, वो सब मैं सुन के सीखता हूँ। और तुम हो कि हमेशा मुझे डांटते रहते हो। सॉरी झुमरू। कान पकड़ो। अरे बाप रे, मम्मी बुला रही है। मैं जा रहा हूँ और मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ, ठीक है? ओके। संजू, संजू ये सब चल रहा है। संजू कुछ करो। संजू ये सब बहुत चल रहा है। संजू, संजू कुछ करो। पर ये हो क्या गया झुमरू? इसको बुलाओ, इसको बुलाओ जल्दी। संजू कुछ करो। संजू तू बहुत चल रहा है। अरे संजू, पेंसिल का पेंसिल। क्या हुआ झुमरू? आंटी को? चल रहा है संजू। संजू, संजू चल रहा है। संजू कुछ करो। संजू, संजू ये सब चल रहा है। संजू सबसे पहले मुझे इसे रोकना होगा। मैं कैसे रोकूं? जिस लाल रंग ने मेरे पेंसिल को बचाया था, वही लाल रंग मेरे झुमरू को बचाएगा। और रुको झुमरू, कुछ कर रहा हूँ। संजू कुछ करो। संजू संजू असर हो रहा है। संजू अभी भी दर्द कर रहा है। संजू जल्दी करो। संजू पैसा चल रहा है। संजू तुम डरो मत झुमरू, मैं कुछ करता हूँ। पर करूँ क्या? यस, तुम मैजिक पेंसिल से बने हो, तो तुम्हें वही ठीक करेगी। एक मिनट।
अपना हाथ दिखाओ। देखो एक हाथ ठीक हो गया, दूसरा तो अब ठीक लग रहा है। ये भी ठीक हो गया। अरे बाप रे, गला अब कैसा लग रहा है झुमरू? अब अच्छा लग रहा है संजू, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो फिर से आया तो मुझे मार डालेगा संजू। डरो मत झुमरू, जब तक मैं हूँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फॉरगेट एवरीथिंग। तुम कुछ नहीं होगा झुमरू, कुछ नहीं। वो चीज जो भी थी थी बहुत खतरनाक। लगता है झुमरू के पीछे भी कोई पड़ा है। कंटीला, कंटीला, ये क्या किया तुमने? क्या खबर लाई है? उस करिश्माई चीज से मिली थी तू, तूने उसे नष्ट किया? नहीं, क्या भक रही है तू? तू इतनी ताकतवर होते हुए भी एक अदना से बच्चे को नहीं खत्म कर पाई क्या? किसी ने उसे बचा लिया? कौन है, कौन है जो कालीचरण की ताकत को ललकार रहा है? कौन है? समझ गया, जरूर उसी जादुई पेंसिल ने किसी ना किसी तरह बचा लिया होगा उसे। बहुत ताकत भरी है उस पेंसिल में, वही सामना कर सकती है कालीचरण का, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इस बार उसने तुम्हें बहुत आसानी से हरा दिया, क्योंकि तू अकेली थी, लेकिन अगली बार तेरे साथ हम होंगे। फिर देखेंगे कि उसमें ज्यादा दम है या हमारी काली शक्तियों में। झुमरू, आज जो भी हुआ एक बुरा सपना था। मुझे लगता है कोई तुम्हें हर्ट करना चाहता है झुमरू। लेकिन मैंने तो किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर वो लोग मुझे क्यों हर्ट करना चाहते हैं? पेंसिल के बारे में हमारे अलावा कुछ और लोग भी जानते हैं। कुछ और लोग? कौन लोग? वो तो मुझे भी पता नहीं, पर कई बार उन लोगों ने किसी ना किसी तरह से मुझसे पेंसिल छीननी चाहिए। तो फिर वो लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं पेंसिल तो नहीं हूँ। देखो झुमरू, तुम पेंसिल नहीं हो, पर तुम पेंसिल से बनाई हुई एक चीज तो हो ना। और तुम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हो, इस पेंसिल की एक स्पेशल क्रिएशन हो। तुम हमारी तरह दिखते हो, हमारी तरह काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पावर्स है। कुछ बुरे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, वो तुम्हें ले जाना चाहते हैं या मार देना चाहते हैं। लेकिन संजू, ये बुरे लोग क्या होते हैं? बुरे लोग बुरे होते हैं जो अच्छे काम नहीं करते। चोरी करना, किसी को मार देना, ये सब बुरे लोगों के काम है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।